आजम इमरान खान ने पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। दौरा लाहौर के दौरान अरकीन कौमी असम्बली से मिले के तरीन ग्रुप का उस्मान बुज़दार की मौजूदगी तक इजलास के बायकॉट का ऐलान। कहना था तरीन ग्रुप के अरकीन किसी मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर सियासी जमातों में हलचल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने अरकीन कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में इस्लामाबाद में वफाकी वजीर ज़ुबैदा जलाल की रिहाइश गाह पर होगा। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़ंजो अरकीन असम्बली सेनेटर्स शरीक होंगे। इजलास में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मशावरत होगी। खटक के भाई लियाकत खटक का JUI में शमूलियत का फैसला। ज़राए के मुताबिक लियाकत खटक आज इस्लामाबाद में JUI में शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुल्क में सियासी माहौल गर्म। बिलावल भुट्टो ने अरकीन कौमी असम्बली को आज दोहराने पर मधु कर लिया। आसिफ जरदारी भी शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून की अहम क्यादत का तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ऑन चौधरी से टेलीफोन पर राबता। अलीम खान भी जहांगीर तरीन से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए। इस्लामाबाद में लड़के लड़की को हिरासत करने के केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सहाफी मोहसिन बेग की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीका ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। कोरोना के नए मरीजों की तादाद और मस्बत केसेस के शराह में मुसलसल कमी। महलिक वायरस से मजीद 4 अफराद जहां भर फर्ज हुई अम्बाद 30,291 हो गई। 36,241 टेस्ट में से 649 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मस्बत कोरोना केसेस की शराह 1.76% रही।